आजीविका मिशन द्वारा 18 से 30 वर्ष के युवाओं को दिया गया निशुल्क प्रशिक्षण, जिसके बाद उन्हें नौकरी प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। इस मिशन में 4 कंपनियों से टाई अप किया गया है जो कि प्रशिक्षण के बाद अपने यहाँ युवाओं को नौकरी देंगी। ये इसी वाला कॉलेज का जो फोटो होता है वो नहीं। बताएं, मैं हेमंत खरे हूँ, सिटी मिशन मैनेजर के पद पर यहाँ पर कार्य करता हूँ। केंद्र सरकार की एक योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत मैं शहरी बेरोजगार युवा बच्चों को जो 18 से 30 साल तक के हैं नौकरी देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और इस तरीके से उन बच्चों का जीवन सुधर जाता है। अभी हमारे डिपार्टमेंट ने अलग अलग 4 तरह की कंपनियों के साथ टाई अप किया है जहाँ पर वो बच्चों को सीधे प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण के बाद उनको नौकरी मिलेगी जो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये में प्रारंभिक होगी। फिर धीरे धीरे उनकी जैसी जैसी योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। इसलिए मुझे नगर पालिका क्षेत्र गुना और नगर पालिका क्षेत्र राहुगढ़ के 18 से 30 साल तक के बच्चे चाहिए जिनकी न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। और मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो BPL श्रेणी के हों, या अगर BPL उनके पास में नहीं है तो मजदूरी कार्ड या संबल कार्ड उनके पास में हो या उनके माता पिता के पास में हो। तो ये ट्रेनिंग जो है ग्वालियर में, भोपाल में, इस तरह बाहर होगी और नौकरी की संभावनाएं उनको मध्य प्रदेश के बाहर भी हो सकती हैं। तो इस दौरान उनको रहना खाना ट्रेनिंग का सामान सब फ्री होगा। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बेरोजगार युवा बच्चों को भेजें, लड़के लड़कियाँ दोनों शामिल हैं, और वो आके अपना ट्रेनिंग लें और उसके बाद में अच्छे से बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी प्राप्त। इनके रजिस्ट्रेशन मतलब कब से चालू कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। आज मेरे पास 10 बच्चे आ गए हैं, 10 बच्चों को मैं कल ग्वालियर भेज रहा हूँ और इसके बाद बैच लगातार चालू होते रहेंगे। गुना और राहुगढ़ मिला के मुझे लगभग 400 बच्चे भेजने हैं जो अलग अलग 4 तरह की कंपनियों में काम करेंगे।